इंदौर में वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन सहित पुलिस विभाग द्वारा 21 तारीख से 30 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के विषय में निगमायुक्त प्रतिभा पाल का कहना है कि जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1074 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें 650 सेंटर अर्बन सहित अन्य रूरल एरिया में सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों में स्वास्थ्य विभाग के करीबन 4000 कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। जिले को 3,00,000 वैक्सीनेशन डोज उपलब्ध कराए गए हैं और 30 जून तक चलने वाले अभियान के तहत जिले में करीबन 92 से 95 लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में निगमायुक्त इंदौर प्रतिभा पाल और कलेक्टर मनीष सिंह ने बैठक में निर्देश दिए। कल की जो हम लोगों की तैयारियां हैं वो, चूंकि ये कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान है और पूरे एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों को 3,00,000 वैक्सीन के डोजेज मिले हुए हैं, तो तैयारी हम लोगों की 1074 सेंटर्स पे है जिसमें सभी 3,00,000 डोजेज लगाए जाएंगे। इसमें लगभग 650 जो सेंटर्स हैं, साइट्स हैं, वो अर्बन एरिया में बनाई गई हैं, बाकी रूरल एरिया में बनाई गई हैं। इसमें लगभग 1,500 वैक्सीनेटर्स और 2,000 से 2,500 ऑपरेटर, यानी कुल मिला के 4,000 लोगों की टीम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लगाई गई है। इसके अतिरिक्त सभी मैजिस्ट्रेट, सभी SDM, ADM, एडिशनल कमिश्नर, सभी जोनल अधिकारी, पुलिस काउंटर पार्ट, पूरी रूरल डेवलपमेंट की पूरी टीम, पूरी अन्य सभी नगरीय निकाय, सभी को इस काम में मॉनिटरिंग में व्यवस्था बनाने में लगाया गया है। हम लोगों की तैयारियाँ ये रहेंगी कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है वो आसानी से वॉक इन करके किसी भी सेंटर पर जो उसके नज़दीकी पड़ रहा है उस पर जाके वैक्सीन लगा पाएगा। और ये वैक्सीन्स जो है वो फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज सभी के लिए ओपन रहेगा और 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक आयु वर्ग के लिए ओपन रहेगा। जो पहले से ड्राइव इन सेंटर्स चल रहे थे वो यथावत चलते रहेंगे, वहाँ वो भी सभी के लिए ओपन फॉर ऑल रहेंगे। तो जितने भी लोग हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए जनप्रतिनिधियों की काफ़ी टीम्स लगाई गई हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के, व्यापारिक संगठनों के, धार्मिक संगठनों के, माने काजी साहब, फादर बिशप, सभी लोगों ने जो मंदिर, दो मंदिर अपने यहाँ, जो रणजीत हनुमान मंदिर है, खजाना मंदिर है, वो खुद अपने यहाँ अपने कैंपस में वैक्सीनेशन सेंटर्स बना रहे हैं जो कि बहुत ही व्यवस्थित और बहुत भव्य रहेंगे। तो इस तरीके की तैयारियाँ समाज का हर वर्ग जुड़कर कर रहा है और सभी की मंशा सिर्फ एक है कि इंदौर को जितना वैक्सीन मिले, हमारे जितने अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, हमारे 100% लोग वैक्सीनेटेड हों। और जो 21 तारीख से 30 तारीख का ये अभियान है, हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं, बल्कि जिस तरीके का मोबिलाइजेशन इंदौर में हर एक सकारात्मक चीज़ को देखने को मिलता है हम लोगों को, उससे हम लोगों को ये विश्वास भी है कि 30 तारीख के बाद हम लोग लगभग 90-95% लोगों को वैक्सीनेटेड कर चुके होंगे। कल का टारगेट हमारा 3,00,000 का रहेगा जो डेफिनेटली पूरा होगा। जो 21 तारीख को वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो रही है, 21 तारीख को हम लोगों ने फोकस किया है काफ़ी, और लगभग 1050 से अधिक सेशन साइट्स बनाई गई हैं। जिस प्रकार से चुनावी तैयारियां होती हैं वैसी ही तैयारियां हो रही हैं। सभी वैक्सीनेशन केंद्रों को बैठने की व्यवस्था, जनता के लिए पानी की व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था भी कई जगह की गई है उसको समाजसेवी संगठनों द्वारा, और पानी पीने की सब व्यवस्थाएँ रहेंगी वहाँ पर केंद्रों में। और लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कल सुबह से ही घर घर में, जो सभी क्षेत्रों में BLOs ने और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों ने लिस्टें बनाई हुई हैं कि 45 प्लस में, 18 प्लस में कौन कौन बचे हुए हैं वोटर लिस्ट के आधार पर, तो उसको कल सुबह से ही, आज भी मोबिलाइजेशन के लिए लोग जा रहे हैं, कल सुबह से ही निकल जाएंगे घर घर मोबिलाइज करने के लिए। संबंधित जनप्रतिनिधियों की टीम भी सभी वार्ड स्तर पर, बूथ लेवल पर वर्क कर रही है, बूथ स्तर पर उनकी टीमें भी कल से और आज से लगी हुई हैं सब, कल सुबह से निकल जाएंगे और मोबिलाइज करके सभी बुलाया जाएगा। 1050 से अधिक सेशन साइट्स जो बनाई गई हैं उसमें 3,00,000 वैक्सीन डोजेज जो हम लोग को मिली थी, लगभग 23,000 कोवैक्सीन है और शेष 2,80,000 लगभग करीब पूरी कोविशील्ड है, ये पूरी पंप कर रहे हैं हम लोग। और सभी केंद्रों पर ऑफ साइट वैक्सीनेशन का प्रावधान है, अर्थात जो भी व्यक्ति जाएगा उसको वैक्सीन लग जाएगी वहाँ पर, 18 प्लस हो या 45 प्लस हो या 60 प्लस हो, सभी कैटेगरी के पहले और दूसरे डोज दोनों लगेंगे। किसी प्रकार के इसमें भी लोगों को असुविधा नहीं होगी इस बार कि सेकेंड डोज का प्रावधान भी रखा गया है, फर्स्ट डोज का प्रावधान भी रखा गया है। अधिक संख्या में हम लोगों ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह लगाए हैं ऑपरेटर्स, ताकि जो जहाँ पर रश ज़्यादा रहेगा वहाँ पंजीयन फास्ट हो जाए, उसके लिए ऑपरेटर्स अधिक संख्या में लगे हैं।
नगर पंचायतों में सीएमओज पूरा जिम्मेदारी देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम और सीओ जनपद देख रहे हैं, शहरी क्षेत्र में एसडीएम्स और लोकल जोनल ऑफिसर्स और पुलिस के अधिकारी देख रहे हैं। बैठक में पहुंचे कलेक्टर मनीष जी का कहना है कि शहर में वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों सहित धर्मगुरुओं से भी आग्रह किया गया है कि शहर को वैक्सीनेशन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसी के चलते खजराना श्री गणेश मंदिर व रंजीत श्री हनुमान जी मंदिर परिसरों में भी वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूले। Thank you.